हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया रेलवे लोको पायलट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग इंडिया रेलवे लोको पायलट जब इनिशियल ज्वाइन करते हैं एज असिस्टेंट, तो वो उनको क्या क्या वर्किंग के दौरान मिलता है कि ड्यूटी कर सके वो आसानी से, और इस वीडियो में फ्रेंड्स में हम पूरा जानने वाले हैं कि आपको क्या क्या सामग्री मिलेगी जब आप एज ए असिस्टेंट यानी असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइनिंग करते हैं रेलवे में। उसके बाद देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड, इस समय ये पूरा सामान जो है दिख रहा होगा आपको एक साथ मिल जाएगा जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और जो आप और ड्यूटी से पहले आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो में देखते हैं, और आपको मज़ा भी आएगा, आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि क्या क्या मिल जाता है ये सब सामान, जो कि ड्यूटी के दौरान आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक दो बुक मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका ये सिग्नल लोकेशन बुक है, जिसमें कि आपका हर स्टेशन के जिस भी आप डिवीजन में वर्किंग कर रहे होंगे उसके स्टेशन के पहले जितने भी सिग्नल्स आते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी रहती हैं। आप इसको देख के ट्रेन जैसे चलाते हैं तो उसको देख सकते हैं आप लोग, पता चल जाएगा। और आपको और ये देखिए वर्किंग टाइम टेबल है इसमें, ठीक है, वर्किंग बारे में दिया रहता है कैसे क्या करना है। और ये जो है आपका दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये है आपका टार्च। जी हाँ फ्रेंड्स, टार्च काफ़ी बड़ा होता है, मैं दिखा दूंगा। ये लाल झंडी और ये हरी झंडी, और वो दिख रहा होगा वो भी टार्च है, वो छोटा वाला टार्च है। बाकी ये देखिए पैड है, राइटिंग पैड जो होता है बिल्कुल वैसे ही है, बस अंतर ये है कि ये लोहे का है, ठीक है, आयरन का है। देखिए दिखता होगा आपका ये चुंबक लगा हुआ है, ये चुंबक भी इसमें दो ठो इसमें है, दो ठो इसमें, यानी चारों कोने लगा देते हैं इसमें कासा लग के दबा कर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। बाकी ये देखिए पंपलेट इस तरह से काफ़ी मिल जाएंगे आपको, जिसको कि हमेशा छपते रहते हैं रेलवे में और आपको मिलता रहता है, जिससे कि जानकारी होती रहे आपको। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कासन जो मिलता है, मतलब जब भी आप कोई चार्ज लेते हैं एज ए एल पी, तो आपको एक कासन मिलता है। उस कासन को इसमें दबाने के लिए इसमें हमेशा ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रेन चलती है तो काफ़ी हवा चलता उसमें रहता है, कई बार उड़ने का भी चांस रहता है, तो आपको इससे भी बात नहीं बनेगी। तो ये रहता है आपको चारों तरफ से दबाए रखता है, और कासन को मतलब यहाँ हिल नहीं देता, आराम से आपका पेज उसमें लगा रहता है, तो आप आराम से ड्यूटी कर पाते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक चीज़ को अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। फ्रेंड बिल्कुल न्यू है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी जानकारी हो, और अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप भी आइए भारतीय रेलवे में और आप भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये टार्च है, जो प्रेस इस टार्च को दिखाते हैं आपको, ये देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल न्यू है प्रेस। इसको अब ओपन कर रहे जा रहे हैं, देख लीजिए। ओके फ्रेंड, अब ये देखिए टार्च बिल्कुल जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आपका। देखिए तो ये देख सकते हैं ये टार्च है, और इसका ये यूजर मैनुअल है, तो यूजर मैनुअल आप जानते ही हो कैसे क्या करना होता है, तो उसको छोड़िए अभी रहने दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में जो भी टार्च मिलता है, देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल देख रहे हैं बिल्कुल आपको कैमरा की तरह है, जैसे आप लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो लगेगा कैमरा है। तो देखिए इतना बड़ा होता है ये टार्च, और इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है ये। अब इसमें देख सकते हैं ये टार्च में क्या होता है, इसमें ग्रीन, ओके, ये सिर्फ सिंपल टॉर्च चलेगा, जैसे जब वाइट टॉर्च चलता है किसी कुछ देखना हो तो उसके लिए होता है, ये ग्रीन होता है, ये रेड होता है जब आपको रेड दिखाना होता है, और लाइट मिलाने के लिए फ्रेंड होता है ये स्टैंड बाई रहता है, ठीक है। तो ये सब पोजीशंस में दिया हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं, ये देखिए पूरा इसका है, वो टांग सकते हैं आप लोग। और ये अभी आप फ्रेंड आपको मैं अभी जला के नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बैटरी लगती है, ओके, इसमें सेल लगेगा बड़ा वाला जो होता है, तो वो सेल लगाने के बाद ही ये चलेगा। तो ठीक है, कभी अगर आपकी इच्छा होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं इसको जला के भी दिखा दूंगा जब इसमें सेल लगा दूंगा मैं, तो अभी फ़िलहाल जो न्यू है ये वाला भी, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये अभी टार्च निकला इस तरह से, और इसमें देखिए निपो का तीन सेल भी है छोटा वाला, और ये हो गया आपका टार्च। इसको मैं जला के दिखा दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सेल मिल जाएगा। तो इसमें ये देखिए पोजिशन दिया हुआ इस तरह से जलाने के लिए, तो अभी लगाऊंगा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये टार्च भी टार्च अच्छा होता है फ्रेंड, क्योंकि दो टार्च तो फ्रेंड इसको मैं अभी आपको जला के दिखा दूंगा, और ये भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। उससे पहले देखिए मेरे पास ये टार्च है, ठीक है, ये वाला भी है, तो मैं फिलहाल इसको आपको जला के दिखा देता हूँ। बिल्कुल अभी ये वर्किंग में है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाइट में जल रहा है बिल्कुल। अब इसको मैं कलर में अगर करना चाहूँ, अभी ऐसे नहीं समझ आएगा, आपको लाइट बंद करना पड़ेगा। अब फ्रेंड देखिए मैं जला रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल वाइट जल रहा है। अब मैं इसका पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए ग्रीन जल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, मैं दीवार पर दिखा देता हूँ। उसके बाद ये देखिए पीछे कर दूंगा मैं, तो रेड आ जाएगा। ओके ओके, समझ रहे हैं आप लोग, जब भी किसी अपोजिट साइड से कोई ट्रेन गुजरती है तो उसको हम लोग ऐसे ग्रीन दिखा के ऑल लाइट में लाते हैं कि भाई सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई गड़बड़ी है ट्रैक पर, तो आप रेड जला के बता सकते हैं, ताकि सामने वाली जो गाड़ी आ रही है वो रुक जाए, तो आपको समझ में आएगा। फिर फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं ये देखिए दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये पैड जो है
आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, तो इसमें देखिए चुंबक मैंने लगा दिया है और ये इस पर रख के मैंने दबाया है ना। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये गिर जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए हो गया ना, उसमें आ गया होगा। फिर अब मैं झंडी आपके बाद दिखा देता हूँ कितना बड़ा होता है। देखिए ये सब इतना बड़ा झंडी होता है, काफ़ी बड़ा होता है ये। इसमें कपड़ा लगाने के लिए भी होता है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके इसमें इसमें होता है डंडा, ठीक है। क्योंकि डंडी लगा के हमेशा रखते हैं, और डंडी आप खुद लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा होता है। ऐसी आपकी ये लाल वाली झंडी भी होती है, इसमें भी आप लोग कपड़ा ये होता है डंडा जो होता है, इसके अंदर से डंडा आप डाल के यहाँ पर रखे बराबर रखे रहेंगे, और इसको ऐसे ऐसे मोड़ के रखा जाता है, और जब भी ट्रेन आता है तो उसको दिखाया जाता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो यही सब आपको मिल जाता है साथ में, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट में से बताइएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अब यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको और कुछ इच्छा होगी जानने की तो ज़रूर हम बताएँगे आपको, कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।